तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? तुम मुझे फिर भी एक दफ़ा ना ये पीछे वाले क्वेश्चन सारे सुनाओ, ये सारे ऊपर वाले मुझे सुनाओ। तुम भूल तो नहीं गए? ऐसे नहीं रट्टा नहीं मारना, पहले बताओ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर लास्ट होली प्रॉफिट? हाँ शाबाश। व्हाट इज़ द नेम ऑफ होली प्रॉफिट फादर एंड मदर? नहीं, ग्रैंडफादर का नहीं, पहले फादर एंड मदर का नाम बताओ। का नाम दादा ही तो होता है। हाँ दादा नहीं, मैं कह रही हूँ हजम सजन के अब्बू और अम्मी का नाम बताओ। अब्बू अम्मी का दादा सलीम। दादा सलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फराह रफीक व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के लिए बनाने लगी हूँ आम की चटनी, खट्टी मीठी कैरी की चटनी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। मैं घर में इस्तेमाल के लिए बनाने लगी थी, तो सोचा आप लोग के साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करती हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है। यकीन करें कि मैंने जो ये चटनी बनाई थी ना, हमारे घर में एक ही दिन में ख़त्म हो गई थी, क्योंकि ये इतनी टेस्टी बनती है। बनाने में भी बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो सबसे पहले आपने कच्चे आम ले लेने आपके पास जितने भी आम हैं, जितने आम के आप बनाना चाहती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास छोटे साइज़ के तकरीबन 5 से 6 आम थे, तो जिनको मैंने ना एक कढ़ाई लेकर उसके अंदर सबको एक एक करके ना अलग से रख दिया है। सबसे पहले इनको हमने कढ़ाई में रखना है। अभी मैंने है ना फ्लेम को ऑन भी नहीं किया, कढ़ाई है ना वैसे ही है तो ठंडी। पहले मैंने इसको अच्छे से रख दिया। इसके बाद मैंने इनको अब चूल्हा जलाया है और इनको ना तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम देनी है। मैंने बिल्कुल इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया, पानी भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। बस इनको आम को रख के इनको स्टीम दी है 15 मिनट के लिए। दम वाली आग पर इसको मैंने ना स्टीम दी है। तो 15 मिनट के बाद ये ना थोड़े से सॉफ्ट हो गए, तो इनकी साइड्स मैंने चेंज कर दिया सारे आम की। तो इनकी साइड्स चेंज करने के बाद फिर से इनको मैं स्टीम दूँगी 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के बाद फिर मैं देखती हूँ कि मेरे सारे आम बिल्कुल हो गए हैं, नरम हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो इनको मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा किया है और इनको एक ट्रे में निकाल लिया है। गरम गरम आम की चटनी बनाई ना तो हाथ बहुत जलते हैं, तो इसलिए आप चाहें पहले इनको थोड़ा सा ठंडा कर लें। अगर आप गरम भी बनाना चाहें तो गरम भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी ठंडा ना करें, क्योंकि इसके अंदर हमने जो चीनी और मसाले वगैरह ऐड करने हैं ना, वो गरम के अंदर ही ऐड करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, वरना बाद में चीनी अच्छे से मिक्स भी नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने सारे आम के छिलकों से उनका पल्प अलग कर लिया है। ये जो गुठली है इसके ऊपर से भी ना मैंने अच्छे से सारा ना रिमूव कर लिया इसका पल्प। तो इनका सारा पल्प एक एक करके मैं रिमूव कर लूँगी। उसके बाद इसको मैं एक कटोरी में इकट्ठा कर लूँगी। तो आप लोग भी आसानी के लिए इसको चाहे तो ठंडा भी कर सकते हैं। ले और मैंने इनको ना तकरीबन नॉर्मल ही रखे थे, ना ज़्यादा ठंडा किया था ना ही गर्म किया था। तो यहाँ पर मैंने सारा पल्प इनका इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद अब मैं इसमें ना मसाले ऐड करूँगी, जो भी डालेंगे। मसाले हमने ज़्यादा नहीं डालने, अपने हिसाब से बस 2-3 मसाले डालने हैं। तो यहाँ पर मैंने ना 3 चम्मच चीनी के ऐड किए हैं, बड़े साइज़ के। उसके बाद मैंने 1 चम्मच डाला था लाल मिर्च का पाउडर। इसको ऐड करने के बाद मैंने ना ½ टीस्पून डाल दिया था नमक। और नमक डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से ना लाया था, अच्छे से मिक्स किया था, ताकि जो हमारी चीनी और बाकी नमक मिर्च है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। ज़्यादा मसाले हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी मसालों के साथ ही इसका ना चटनी का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट निकल के आता है। तो मुझे यहाँ पर पल्प थोड़ा सा ना गाढ़ा लग रहा था, क्योंकि चटनी इतनी गाढ़ी भी अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए ना मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए। तो आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से पानी ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स किया है, ताकि मेरी जो चीनी है ना वो भी इसके अंदर से मेल्ट हो जाए। तो पानी आप लोग ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना ये चटनी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया था, लेकिन जब मैंने चटनी फ्रिज में रख दी थी ना तो मेरी चटनी काफ़ी गाढ़ी हो गई थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी दोबारा ऐड करके इसको ठीक किया था। तो यहाँ पर मेरी मज़ेदार सी आम की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार होगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और अभी कच्चे आम तो आए ही हुए हैं, तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।